इन टूडेज सेशन ओके बट उससे पहले हम न्यूज़ समझेंगे कि क्यों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है स्टूडेंट्स so, uh, जो हमारा सेंटर है उन्होंने असम के uh, जो चराई जियो में डेम्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया है इस साल तो so, सबसे पहले हमारा टास्क ये रहेगा कि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में समझेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं कौन सी कौन सी हैं एंड किस बेसिस पर वो कैटेगराइज़ करी गई है देन हम ये समझेंगे कि ये जो यहां पे uh, मेडेम्स लिखे हैं और इट इज एज मोडेम्स ये क्या होते हैं ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी वर्ल्ड हेरेटेज फर्स्ट सो स्टूडेंट्स अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें सो ये वो प्लेसेस होती हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा स्पेशल कल्चरल सिग्निफिकेंस होने की वजह से या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस होने की वजह से उन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया जाता है और अब क्यों क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए एक हेरिटेज साइट हो गई है इसीलिए उसके कंजर्वेशन के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसे प्रिजर्व करके रखने के लिए हम सभी का पूरे वर्ल्ड वाइड रोल बन जाता है कि उन सभी को हम प्रोटेक्ट करके रखें ओके और वो सारी साइट्स uh, जो इसके अंदर लिस्टेड है दे आर बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरीटेज प्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज कमिटी सो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो भी सारे, सारे इस के सारे साइट्स इसके अंदर लिस्टेड हो जाती हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज कमिटी है उसके द्वारा मेनटेन करी जाती है उन्हें फंडिंग प्रोवाइड होती है जिससे कि हम उन्हें उनके प्रजर्वेशन के लिए वहाँ पर काम कर सकें ओके और यहीं अगर हम इन साइट्स के बारे में बात करें सो वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरीटेज नाइनटीन सेवेंटी टू का एक्ट था इनकी प्रोटेक्शन के लिए सो द कन्वेंशन वॉज द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 उसके अंदर इन सभी साइट्स को डेजिगनेट किया जाता है जिससे कि अगर उनकी कल्चरल हेरिटेज है तो उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके उनकी कल्चरल हेरिटेज को नेचुरल हेरिटेज है तो उनके नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा जा सके इसीलिए इन्हें डेजिग्नेट किया जा रहा है नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटेगराइजेशन जो कि अभी हमने बात की थी कि कल्चरल हेरिटेज हो गई मिक्स्ड हेरिटेज हो गई या फिर नेचुरल हेरिटेज हो गई ओके तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कल्चरल हेरिटेज दिख रही होगी स्टूडेंट्स कल्चरल हेरिटेज मीन्स उस जगह की उस प्लेस की या फिर उस मॉन्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा यू नो कल्चर से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है वो उस उस जगह के उस टाइम के पूरे कल्चर को वहाँ के ट्रेडिशन को उसके कस्टम को रिप्रेजेंट करता है और वो कुछ भी हो सकता है चाहे वो एक हिस्टोरिक बिल्डिंग हो सकती है एक इम्पॉर्टेंट यू नो मॉन्यूमेंट हो सकता है कोई स्कल्पचर हो सकता है या फिर उस हेरिटेज साइट्स के अंदर कोई पेंटिंग्स हो सकती है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अंदर आ गया और वो कल्चर हेरिटेज साइट्स में आ रहा है सो तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको प्रिजर्व करके रखना है ये तो फर्स्ट कैटेगरी हमने समझ ली अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें जो कि है नेचुरल हेरिटेज साइट्स। इन नेचुरल हेरिटेज साइट्स में क्या होता है कि वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर का पाए जाना चाहे ऐसी पाई जा रही है इको सिस्टम वहां पाया जा रहा है बहुत ज्यादा रिच वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है और वो अपने उस प्लेस के लिए एंडेमिक है एंडेमिक स्टूडेंट्स मैं लास्ट समझा चुकी हूँ एंडेमिक मीनफ उसी एरिया में मिलेगी उसी प्लेस पे मिलेगी एंड क्यों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में कम है और सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे वो आपको मिलेगी इसीलिए वो एंडेंजर्ड भी है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना ही है सो so, अभी हमने इन हेरिटेज साइट्स की कैटेगराइजेशन की बात करी सो so, वही हम अब देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं सो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ जिसमें से 32 कल्चरल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैटेगराइज है जो सेवन है वो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है मीन वहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लोरा या फोना की स्पीशीज़ मिलती है या फिर बर्ड की स्पीशीज़ मिलती है इसीलिए एंड वन मिक्स साइट है और वो कौन सी है वो हमने नेशनल पार्क के उसमें में हमने उसे कवर भी किया था आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना स्टूडेंट मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स वो होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशी हो गई किसी भी चीज़ की वो तो वहाँ पे प्रेवलेंट है ही वो वहाँ के लिए यूनिक है ही इसके साथ साथ वहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है मीन्स वहाँ पर कोई ट्राइबल uh, सेटलमेंट है या फिर वहाँ के कोई कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल टाइप्स जुड़े हैं सो वो हो गया मिक्स्ड हेरीटेज साइट्स ओके लेपच्चर ट्राइबल सेटलमेंट्स मिलेगी वहाँ पे आपको कल के ही लेक्चर में हमने कवर किया था नेशनल पार्क्स वाले लेक्चर में सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इससे आपका फिर से नेशनल पार्क्स का रिवीजन हो जाएगा सो क्या क्या हमने बात करी हमारे यहाँ पे टोटल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फोर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताई थी इन में से जो फोर्टी नंबर पे अभी हमारी बहुत यू you नो know, बहुत न्यूली जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो है हरप्पन सिटी जो कि गुजरात के अंदर है धौलावीरा में 2021 में ही उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था और यहाँ पे स्टूडेंट्स दो नेशनल पार्क के बारे में भी बात करी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एक तो गया मानस नेशनल पार्क और एक असम का गाजी नेशनल पार्क ये दोनों भी उन सेवन जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है ना मीन्स जो सेवन नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं स्पीशीज़ के बेसिस पे जिन्हें कैटेगराइज़ करा गया है उनमें से काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए क्योंकि तो हर साल इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है तो दिस इज अबाउट द कैटेगराइजेशन एंड अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब हम मोडेम्स uh, के बारे में समझेंगे जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है कि आसाम के मोडेम्स को इन इनके लिए नॉमिनेट किया गया है सो स्टूडेंट्स मोडेम्स को और मोडेम्स भी बोलते हैं जो एक्चुअली में होते क्या है कि जो अहोम डायनेस्टी थी ना उसके माउंट ब्यूरल सिस्टम होता था मीन्स दफनाने का एक सिस्टम होता था अहोम डायनेस्टी का और कितना पुराना ये थर्टीन से नाइन्टीन सेंचुरी की बात करी जा रही है क्योंकि अहोम डायनेस्टी उतने टाइम में ही रूल करती थी एंड एज़ आई टोल यू कि माउंट ब्यूरल सिस्टम है इसमें क्या होता था अहोम डायनेस्टी के जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रॉयल्स होते थे ना कहाँ पे असम्स के अंदर और कौन से डिस्ट्रिक्ट में तो कैराइडियो डिस्ट्रिक्ट में कैराई डियो डिस्ट्रिक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन प्रनउंसिएटिंग इट सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने असम का uh, कराई डिओ डिस्ट्रिक्ट इसीलिए बोला जा रहा है कराई डिओ मिडाम्स ठीक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रॉयल टूम्स बनाए जाते थे uh, जो रूलर्स वगैरह के होते थे जिसमें से आपने एशियंट चाइना में देखा होगा कि वो रॉयल टूम्स लिंक्ड हैं और जो इजिप्टीन uh, फरोज़ होते हैं मींस जो बहुत ज़्यादा पुराने एनशेंट इजिप्टियंस किंग्स हैं उनके भी पिरामिड्स की यहाँ पर बात करी गई है सो so बेसिकली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो अम डायनेस्टी के टाइम में माउंट ब्यूरल सिस्टम होता था मुडेम्स मीन्स बहुत जो राजा महाराजा होते थे ना उनको दफनाने के लिए एक ब्यूरल सिस्टम होता था दैट सेट इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है सो so, असम के जो uh, कराइडियो मोडेम्स uh, हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यू नो सिग्निफिकेंस रखते हैं हिस्टोरिकल भी कल्चरल भी और सेटलमेंट से रिलेटेड भी इसीलिए सो so, यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि क्यों uh, जो मोडेम्स हैं असाम के उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में uh, रखने की बात करी गई है नॉमिनेशन के लिए सो so, यहाँ पे ही हम जो असम की अहोम डायनेस्टी है जहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं सो so, अहोम जो डायनेस्टी है उसने 600 सालों तक uh, रूल किया था अनटिल दे गॉट एनेक्सड बाय ब्रिटिश जब ब्रिटिश ने आसाम को 1826 में सिक्स मेंनेक्स उनका एनेक्सेशन कर लिया था उसके बाद अहोम डायनेस्टी का जो रूल था वो एंड हो चुका था वहीं पे और जो असम का ये जो कराई डू डिस्ट्रिक्ट है ना जो कि गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर है इसको अहोम डायनेस्टी ने सबसे पहले अपनी कैपिटल बनाया था फाउंडेड बाय चाओ लांग लंग सी का फा इन टू ट्वेल्व फिफ्टी थ्री ओके तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अहोम डायनेस्टी ने ये जो सिस्टम था ना माउंट ब्यूरियल सिस्टम वो स्टार्ट किया था क्राइडियो के अंदर क्योंकि okay? सबसे पहले अहोम डायनेस्टी की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो असम का यही डिस्ट्रिक्ट बना था सो आई होप आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और अबाउट द मोडेम्स वो अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ हो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स या क्वारीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है उसे समझने में आपको 2023 के लिए लग रहा है कि आपको इसे आना चाहिए और आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना हम उसके लिए सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे आप सभी लोगों के लिए सो स्टे कनेक्टेड विद दस थैंक यू सो मच